आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। पहली खबर टिहरी से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के लोगों के पास बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा सशक्त विकल्प खुला है। अभी तक बीजेपी कांग्रेस ने एक बार तुम एक बार मैं की राजनीति उत्तराखंड में की है, परंतु अब आम आदमी पार्टी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग संपर्क में होते हैं और हैं, लेकिन हमने अपने अधिकतर टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं और हमारे सभी कैंडिडेट अब अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी लेके 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1,000 रुपये, रोजगार बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपये का भत्ता, ये सारी गारंटियों को लेके एक एक गांव में जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना काम शुरू कर दिया। वहीं रुड़की में विधानसभा से 3 दिन पहले टिकट की दावेदारी करने वाले शहर के जाने माने समाजसेवी और भाजपा के नेता के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते बीती शाम आदर्श नगर में हुई भाजपा की एक बैठक में भाजपा के बहुत से नेता उनके पक्ष में दिखाई दिए हैं। बता दें कि बीते शाम आदर्श नगर में भाजपा के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर राय शुमारी के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भाजपा से जुड़े शहर के ज्यादातर नेता पहुंचे हुए थे। इन नेताओं के द्वारा टिकट की दावेदारी कर रहे अपने पसंद के 3 दावेदारों का नाम लिखकर वोटिंग करनी थी। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की ओर से राय शुमारी कहते हैं जो कार्यक्रम होता है, सब मुख्य कार्यकर्ताओं यहाँ के रुड़की के नगर के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी जो रुड़की विधानसभा क्षेत्र 31 में रहते हैं, उनसे सबसे राय ली जाती है कि आप किस प्रत्याशी के लिए किसकी दावेदारी स्वीकार करते हैं, किसको चाहते हैं। तो वहाँ पर जैसा ही हमने देखा, यहाँ जब से मैं यहाँ पर प्रवेश किया हूँ तब से देख रहा हूँ कि मुझे बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और यहाँ आपने अभी देखा कि जैसे हमारे लिए नारे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और हमारे नारे लगा रहे हैं, तो इसको इस वातावरण को देख के मैं बहुत हृदय से सभी का आभारी हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ इस बात को देखे कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ही प्रत्याशी बनाएगी और विजय श्री भाजपा की होगी और हम ये सीट कमल के फूल की झोली में डालें। अगली खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भवनों में प्रचार संबंधी पोस्टर और सामग्रियों को हटा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र नगर रविंद्र कुमार चमोली के निर्देशन और SHO प्रदीप पंत के नेतृत्व में पुलिस के नरेंद्र नगर वाल्मीकि बस्ती से लेकर बाजार के मुख्य मार्गो से होते हुए कुमारखेड़ा, आगरा खाल, फकोट और खाड़ी में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, चुनाव आचार संहिता का सभी पालन करें, किसी तरह का कोई भी उल्लंघन ना हो। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शासन व उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर आदेश निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव आचार संहिता का 100% पालन किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पे और सरकारी भवनों पे जो भी पोस्टर किसी भी प्रत्याशी के लगे हैं उनको हटा दिया गया है। अर्धसैनिक बलों का आगमन प्रदेश व जनपद में हो गया है, जिनके माध्यम से फ्लैग मार्च प्रत्येक जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, तहसील स्तर पे व थाना अध्यक्ष पे किया जा रहा है, जिससे जनता में आम सौहार्द निर्वाचन आयोग के संबंध में अच्छी बनी रहे और निष्पक्ष चुनाव हो सके। वहीं पर कमिश्नर सुनील कुमार के दिशा निर्देश पर हरिद्वार बॉर्डर जो है वो सील किए जाएंगे। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत गढ़वाल कमिश्नर डॉक्टर सुनील कुमार और DIG गढ़वाल रेंज करण सिंह नंग्याल के अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक जनपद कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई थी। वहीं आयोजित बैठक में गढ़वाल कमिश्नर अनिल कुमार भोले हरिद्वार बॉर्डर को सील किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ कहा गया है कि हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करने वाले अंग तत्वों की संख्या चेकिंग की जाए और कोरोना के संगम में तीसरी लहर को देखते हुए COVID-19 अनुरूप आचरण का सख्ती से पालन भी करवाया जाए। वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है,
और जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, उसका जो प्रसार है, उसका जो स्प्रेड है, वो काफी तेजी से हो रहा है। इसलिए हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखकर कार्रवाइयां करनी होंगी। इस समय तो मकर संक्रांति का भी निर्णय सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे धार्मिक धर्मगुरु हैं और अन्य लोगों के साथ चर्चा करके दिया गया है, ताकि जो कोरोना की स्थिति है वो एक स्प्रेडर के रूप में ना आए और आगे निर्वाचन भी हमें करवाना है। इससे पहले इस तरह का चुनौती पुलिस के समक्ष या प्रशासन के समक्ष कभी नहीं आया है। ये एक चैलेंज है, लेकिन हमारी सारी तैयारियां इन्हीं सब चीजों को देखकर की गई है कि जहां कोविड नियमों का पालन भी हो और पुलिस जो है व्यवस्था भी अच्छे ढंग से बनी रहे, ताकि जो वोट है, पोलिंग है, बहुत अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से संपन्न हो। ये हम लोगों के प्रशासन की, सरकार की, आयोग की मंशा है और हम इसको पूर्णतः तैयारी के साथ। बाजपुर के ग्राम धूरिया में आरसीसी रोड का निर्माण जिला समाज कल्याण के अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर इसका निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की तरफ से ईंटें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही घटिया सामग्री और 10 परात आरएमबी का सीमेंट का भी उपयोग जो है वो गलत प्रकार से हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी किया है। आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता नारायण सिंह ने घटिया सामग्री को लेकर जमकर हंगामा भी काटा। उन्होंने ठेकेदार का को आरोप लगाते हुए बताया है कि अव्वल नंबर की ईंटें इसमें लगाई जाती हैं, लेकिन यहां पर खराब ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए बुलाया था, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये ब्लॉक से बन रही है या विधायक कोटे से बन रही है या ये जैसे सरकार की कौन सी योजना से बन रही है, जिसका मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने ये देखा था कि ये सारी जो मेटेरियल लग रहा है, ये जो ठेकेदार ने जो मेटेरियल लगाया, इसमें कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। एक तो ईंट पीली लगा रहे हैं, दूसरा ये आपने अभी सीमेंट का वो दिखाया था खाली घोल ऊपर से डाल के, ये नाम मात्र के लिए, कल को थोड़ा सा जैसे 1 लाख का काम है तो उसमें उसको 10-20 हज़ार में पूरा करके और मूर्ख सीधे साधे जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर देखने को मिला है। अब इलाके में सीजन की दूसरी बर्फबारी के दीदार हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से शुरू हुई बर्फबारी से सबसे ऊंचे वाले पर्यटक स्थल लाल टिब्बा में लगभग 3 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है, जिससे मसूरी में ठंड में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं चुनावों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सीआरपी के बटालियन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। वहीं प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालते हुए आचार संहिता में किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करते हुए अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और कोरोना महामारी में मास्क प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इस दौरान लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने कहा कि सीआरपी की एक बटालियन लालकुआ पहुंची है, जिसके साथ मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही लोगों से निडर होकर रहने और निष्पक्ष रूप से चुनाव मतदान करने की जो है वो बात भी कही गई। आचार संहिता लागू हो चुकी है तथा जो हमारा बाहर से फोर्स है, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा फोर्स दिया गया, वो आ चुका है। तो आज एरिया डोमिनेशन के लिए यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है। यहाँ सीआरपीएफ की कंपनी हमारी पहुँच चुकी है तथा पूरे शस्त्रों के साथ हमने पूरे क्षेत्र में लोगों को अपील की है कि वो निडर भाव से चुनाव में वोट दें। ऐसा कोई उनको डर नहीं है, कोई ऐसा डर हो तो प्रशासन को बताया जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी तथा जो ये इलेक्शन है निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। लक्सर में पुलिस लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देशन में नशे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में लक्सर थाना क्षेत्र अंतर्गत रायसी पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में बाणगंगा नदी में छापेमारी कर 40 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब और 3,000 लीटर लहान बरामद कर उसे नष्ट कर दिया है। इन शराब माफियाओं के खिलाफ पूर्व में भी आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं में गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक आरोपी चांदवीर पर गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज है। गंगा में जो है टापू पे काफी समय से जो है शराब बनाने की जो है इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग वहां बड़े पैमाने पर शराब बना रहे हैं।
लक्सर पुलिस को जब ये सूचना मिली तो लक्सर पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो है एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के द्वारा जो है वहाँ पे कार्रवाई की गई है और जिसमें 40 लीटर कच्ची शराब और करीब 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। काफ़ी बड़े मात्रा में उपकरण वगैरह वहाँ प्राप्त हुए हैं। हमारी अगली खबर कालाडूंगी से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण हो रहा है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जा रही है। सभी स्कूलों में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोरोना के टीके लग चुके हैं। वहीं CMS डॉक्टर सुधीर कान्याल ने कहा कि बूस्टर डोज के क्रम में सोमवार से टीकाकरण शुरू हो चुका है। तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रतिदिन 15 से 18 साल के किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। कोविड की थर्ड वेव को देखते हुए हम लोगों की पूर्ण तैयारियां हैं। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है और बच्चों में भी बड़ा जोश है। सारे स्कूल हमने कवर कर लिए हैं। थोड़ा बहुत जो बच्चे छूटे हैं उनको हम अब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में जाके या फिर हॉस्पिटल में आके भी कहीं बच्चे जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, और क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे यहाँ रोज़ वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके अलावा बूस्टर डोज सोमवार से जो है बूस्टर डोज भी हमारे यहाँ शुरू हो गया है, जिसमें लोगों में काफी उत्साह है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।